आज द कपिल शर्मा शो में लगेगा पंजाबियत का तड़का, क्योंकि आ रहे हैं सुपर सिंह, दिलजीत दोसांझ और सोनम बाजवा। बच्चा तू यहाँ क्यों आया? देखिए दिलजीत जी पंजाब से आए हैं, हाँ। सोनम जी पंजाब से आए हैं, सिद्धू जी पंजाब से आए हैं, इत्तफाक का बात देखे आप भी पंजाब से आए हैं। आप लोग चाहते तो ये शूटिंग पंजाब में कर सकते थे, लेकिन आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? हेलो एंड वेलकम टू लावा प्रेजेंट्स द कपिल शर्मा शो। सिद्धू जी आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर अचानक से तबेला कहाँ से आ गया, हम आपको बताते हैं। दरअसल सरकार ने एक योजना बनाई है जिसके तहत पुराने तबेलों को ग्रांट मिलने वाली है, पर आपको तो पता है कि हमारे पास सिर्फ एक भैंसिया है, इसलिए हम ये थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट किए हैं ताकि ये ग्रांट हमारे तरफ आ जाए। बस अधिकारी मैडम आती होंगी, और आप ये मत समझिए कि हम अकेले हैं, हमने अपना स्टाफ भी रखा है। स्टाफ हमने भैंस के लिए बेबी रखी है, क्योंकि बेबी को भैंस पसंद है। इस तरह मिलजुल कर काम करेंगे तो देखेगा हमारे तबेले के जगह जगह वर्ल्ड वाइड चेने होंगी। सुनो, आपके कहने पे हमने ये सब कर दिया, लेकिन हमारी पगार कितनी होगी? अरे लीजिए यार, हर काम हम थोड़ी ना करेंगे, इसके लिए हमने मैनेजर रखा है, बुला लेते हैं मैनेजर। अरे तैयार हो गए सब, तैयार हो गए, अरे तैयार हो गए। अरे मैनेजर साहब, जरा इनको इनकी पगार बताइए। दो नंबर का चलेगा? हाँ चलेगा। तो ठीक है, सारा गोबर तुम लोगों का, ठीक है? फटाफट निकलो, चलो गेट आउट, तुम्हारा वेट कर रहा है, अधिकारी जी आते होंगे, फटाफट फटाफट निकलो, चलो 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 चलो। अरे ले जे कपू शर्मा, क्या है? एक काम कीजिए, अधिकारी आ ही रहे हैं, इतना हमने इन्वेस्टमेंट किया है, तो एक जरा फीता कटवा देते हैं, तो एक फीता और एक सीजर का इंतजाम कर दीजिए। बच्चा जितनी तेरी जुबान चल रही है ना, निकाल देना, इसी को काट के उद्घाटन कर देंगे हम लोग। चीज करवा लीजिए। देखिए कपू शर्मा, आप गिड़गिड़ा रहे थे कि हमको काम चाहिए काम चाहिए काम चाहिए, इसके लिए हमने आपको यहाँ पर मैनेजर रखा है, आप हमारे अंडर काम कर रहे हैं, जरा तमीज से बात कीजिए हमसे, रिस्पेक्ट। ये कंपनी हम दोनों ने मिलकर खोली थी, अभी तनख्वाह देने की बात आएगी तो ऐसे ऐसी बातें कर रहा है, रंग बदल रहा है तू? हाँ तो 500 का नोट रंग बदल सकता है, तो हम रंग नहीं बदल सकते हैं? जाइए, हम आपको इस कंपनी से निकाल देंगे, पता है आपको? अरे ऐसे कैसे निकाल देंगे, चार शेयर हैं हमारे पास कंपनी के। हाँ तो एक काम कीजिए, दो जरा सिद्धू जी को दे दीजिए, क्योंकि आजकल ये शेयर कम आग ज्यादा मारते। बच्चा तुझे मेरे दूध का कर चुकाना होगा, तुझे छठी का दूध याद दिलाऊंगा, मैं बता रहा हूँ। अरे हमको आज तक छठी का पहाड़ा याद नहीं हुआ यार, कहिए कहाँ से याद कर लेंगे। चलिए चलिए, जाइए जाइए, ना काम कीजिए। ए ए ए, ये हमारी भैंसिया को क्या खिला रहे हैं आप? खाजा खाजा जमाल घोटा भी करेगी ये, भरेगा तू। ए, हम देख लेंगे आपको कपू शर्मा। हाँ तो देख लेना, हर शनिवार रविवार रात 9 बजे सोनी टीवी पर, आप बकवास कर रहे हैं। कोई बात नहीं यार, बस एक बार अधिकारी मैडम आ जाए, ग्रांट मिल जाए, उसके बाद लाइफ सेट है। आइए आइए अधिकारी मैडम जी, आइए ये लीजिए, हम हैं बच्चा यादव, ये है हमारा तबेला, ग्रांट के जो पैसे लाए आप हमें दे सकती है। ये आप क्या कर रहे? मैं अधिकारी नहीं हूँ। नहीं है? अरे एक मिनट यार, ये तो गड़बड़ हो गया, एक मिनट। हेलो बबलू, अरे श्रीनगर का 2 टिकट कटवा दो यार, यार अचानक से शादी हो गया, हनीमून पे जाना पड़ेगा। अरे अब क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ दूध लेने आई हूँ। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, एक काम करो यार, कमरे में दूध रखने का जरूरत नहीं है, भाभी दूध साथ में लेकर आएंगी। आपको सुनाई नहीं देता, मैं यहाँ दूध लेने आई हूँ। दूध मांगोगे तो
जाएंगे, फिर मांगोगे तो चीर देंगे। रुक जाइए यार, वैसे भी आप मांग क्यों रही हैं? ऊपर वाले ने हाथ पैर दिए, कुछ काम दाम कीजिए ना, मांगती क्या है ची? मैं आपको मांगने वाली लग रही हूँ, दूध देना है तो दीजिए वरना मैं चली। खत्म हो गया। देखिए यहाँ से 50-50 कोस दूर कोई भी दूध वाला नहीं है और किसी ने माँ का दूध नहीं पिया है कि हमारे दुकान के सामने दूध बेचने की कोशिश कर सके। ये देखिए शुद्ध बच्चा दुग्धालय 6 माह से 70 साल के नवजात शिशु के लिए सर्वश्रेष्ठ। क्या बात कर रही है? अचानक से बदल गए गिरगिट। जब सिचुएशन बदलती है तभी तो इंसान बदलता है। ए मैडम, ये 4-4 महीने अपना कच्चा नहीं बदलता, सिचुएशन कहाँ बदलेगा ये? आप इसकी बात में ना आए, आप हमारी बाहों में आइए, आप हमारे तबेले में आइए, बताइए कितना दूध चाहिए आपको। अरे रुक जाइए मैडम, हमारा दूध लीजिए, हमारे दूध में बहुत ताकत है। आपको पता है शक्तिमान जो है ना, हमारा ही दूध पी के उड़ता है। शक्तिमान तो बंद हो गया। हाँ तो हमने दूध ही पिलाया था, कोई अमृत थोड़ी ना पिलाया था कि पी के उड़ता ही रहेगा। देखिए मैडम, हम आपको बता रहे हैं हमारे दूध में बहुत विटामिन है, माँ की ममता है। अरे हमारे दूध में बाप की बप्ता है। एक मिनट, क्या माँ की ममता बाप की बप्ता? मुझे सिर्फ दूध चाहिए। देखिए मैडम, ये मकार है, जालसाज आदमी, हम यहाँ बच्चा यादव। देखिए कपू शर्मा, बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक है रुकिए आप, हम पुलिस को बुला कर लाते हैं। रुकिए। अरे मैडम आप इधर आइए। ये देखिए हमारे यहाँ पे स्क्रैच ऑफर चल रहा है, स्क्रैच एंड मिन, आप स्क्रैच करें आपका कुछ ना कुछ निकलेगा। करिए। मुबारक हो, आपका गोबर निकला है। दूध देना है तो दीजिए वरना मैं चली। अरे आप तो बुरा मान गई यार, बात तो सुनिए, इधर आइए, हम आपको दूध देते हैं लेकिन आप जो भी बनाएंगी आपको हमारी भैंसिया को कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। मैं क्यों दूं? अरे वो अपने बछड़े का दूध आपको दे रही है, आप बदले में उसको कुछ नहीं दे सकती? अभी बड़ी सेल्फिश है आप तो। पैसे तो दे रही हूँ। पैसे से दूध ले सकती है मैडम, किसी का जमीर नहीं ले सकते हैं आप। हाँ अरे जमीर कहाँ से आ गया बीच में? तो दूध से दही बन सकता है, पनीर बन सकता है, जमीर काहे नहीं बन सकता है? एक दिन तो हम इतने इमोशनल हो गए थे, दूध से हमने मटर जमीर बना दिए थे, बता रहा है मैडम। हाँ इंसानियत नाम की भी कोई पनीर होती है। आप गलत बोल रहे, इंसानियत नाम की चीज होती है, चीज। ए चीज अंग्रेजों ने बहुत प्रमोट कर दिया, हम पनीर को प्रमोट करेंगे अभी, बता रहे हैं हम। देखिए आप दूध दे रहे तो दूध दीजिए, वरना आपका प्रमोट की जगह ना यहाँ पर विस्फोट कर देंगे। अच्छा तो विस्फोट करेंगी, खुद को बॉम्ब समझती है का? ले जाइए दूध जितना लेके जाना है। अभी घर पे चाय पे बुलाइए। पुलिस को बुलाती हूँ। अरे आपसे एक हर बात पे लड़कियाँ पुलिस बुलाती है, आज तक कोई लड़की ऐसी आई नहीं जो पंडित को बुलाए। हम आ गए। हेलो, हाँ जी हम आ गए, अभी पहुंचे हैं। कहाँ जे मुन्ना को लूज मोशन लग गए हैं? हाँ तो ठीक है ना, डायपर पहना दो, ज्यादा रायता ना फैलाओ। हाँ एक सेकंड भाई साहब, ये डायपर कितने का आता है? हमारी भैंस तो नहीं पहनती, हम तो नहीं। अच्छा बच्चे का? ये बच्चे का ही तो पूछ रहे हैं। 50 रुपए का आता है, सेकंड हैंड तो और सस्ता आता है। ओहो जितना पूछा उतना ही बताओ। अच्छा सुनो, ये लूज मोशन की दवाई कितने की आती है? 100-150 की आती होगी। हाय हाय, ये बबलू सुन रहे हो, डायपर सस्ता है और डॉक्टर महंगा, एक काम करो डायपर ही पहना दो। हाँ और ज्यादा रायता ना फैला, हमें फोन ना करना, हम जरूरी काम पे। हाँ अच्छा सुनो, ये बच्चा यादव कहाँ मिलेगा? हम ही हैं बच्चा यादव, बताइए। अरे नहीं नहीं, हम हैं असली बच्चा यादव। Thank you.
नहीं नहीं हम हैं असली बच्चा यादव, ये तो धोखेबाज आदमी है। अच्छा जी, हम कैसे मान लें कि तुम हो बच्चा यादव? अरे हमारा बच्चा वहाँ घर में लीक कर रहा है और जहाँ तुम हमारे दिमाग को वीक कर रहे हो कि हमें कोई बताएगा कि कौन है असली बच्चा। अरे हम यहाँ असली बच्चा यादव, 50 साल से लोगों को दूध पे दूध पिलाया जा रहा है, 1 लीटर का फायदा नहीं हुआ हमका। अरे तो हम भी इतने सालों से साधु से लेकर संतरियों तक, बाबू से लेकर मंत्रियों तक सबको दूध पिला रहे हैं, हम हैं असली बच्चा यादव। हम कैसे मान लें कि तुम ही हो असली बच्चा यादव, बताओ? अरे जैकी श्रॉफ भी हमको कहता रहता है कि तू हमारा बच्चा, आ जा मेरा बच्चा, बच्चा मेरा आ जा। हाँ सच में, अरे हमें असली बच्चा ज्यादा, हमारे इधर देखिए, इधर निशान भी हॉलमार्क का 24 कैरेट का, ये देखिए। 24 कैरेट तो सोना होता है। सोना तो रात को होता है। बस जे वैसे ही हमारा लल्ला घर पे इतना रायता फैला रहा है जे तुम लोग ना फैलाओ, ये बताओ कौन है बच्चा? अभी के अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जे तो एक काम करो, थोड़ी चाय पत्ती थोड़ी चीनी भी डाल दो तो चाय ही बन जाए, सच में दिमाग फट गया है। तो आप एक काम काहे नहीं करती, हमें ग्रांट दीजिए और अपना सर सिलवाइए, अभी ज्यादा फट गया तो इधर रायता फैलाएंगे आप। जी कब पप्पू समझे हो हमें जो तुम्हारी बातों में आ जाए? ऐसे ना देंगे हम ग्रांट। वैसे भी इतनी धोखेबाजी फैल रखी है आजकल दुनिया में, जब तक थोक बजा के समझ ना लेंगे तब तक ग्रांट ना देंगे। अब जब अपने तबेलों के बारे में बताओ। देखिए हमारे पास 4 भैंसिया है, अच्छा खासा स्टाफ है, आप जरा इस आदमी से पूछिए ना इसका स्टाफ किधर है। स्टाफ ए बिजली, हमारी सेक्रेटरी है, बहुत बड़ा बिजनेस है दूध का तो ऐसे रखना पड़ता है स्टाफ। अच्छा चाइना से हमारी मीटिंग कब है दूध? 5 बजे। 5 बजे हम लोग ग्रांट देकर निकले, फटाफट जी हमारा मीटिंग है। लीजिए मीटिंग है दूध के लिए चाइना से, कुछ भी बोल रहे हैं। पहले तो ये बताइए कि ये क्या जानवर पाल रखे हैं आपने, ये आपका तबेला है के सर्कस है? अरे हमें यहाँ भैंस घोड़ा गधा हाथी सब दूध मिलता है ना सर? हाँ बिल्कुल है, हमारे यहाँ तो मुर्गी भी दूध देती है। मुर्गी अंडा देती है, दूध कैसे देती है? हाँ तो मुर्गी तरक्की ना करे, कार प्रॉब्लम है, कब तक अंडा देती रहेगी? वो अपने पैरों पे खुद खड़ा होना चाहती, कार प्रॉब्लम है तुम्हारा? एक मिनट जे कुछ ज्यादा ना हो गया? अरे हमारे यहाँ भैंसिया तो फ्रूट भी देती है। भैंसिया फ्रूट कैसे दे सकती है? चलो अंदर अभी निकलो, चलो तुम्हारा चारा खाने का टाइम है, चलो 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 चलो। हम है ना, हम संभाल लेंगे, चलो चलो चलो। अरे क्यों, पर हम है ना? क्यों हो, काहे लो, निकलो, तुम्हारा काम खराब कर रही हो। ठीक है हम जा रहे, फिर कभी ना आएंगे, पछताते रह जाओगे। चलो ब्रेकअप। देखिए वो आए या ना आए उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये आपको बताना ही पड़ेगा कि भैंसिया फ्रूट कैसे देती है। और अभी भी ब्रेकअप हुआ, आप पूछ रहे हैं भैंसिया फ्रूट कैसे देती है? समझाइए जे, हम समझाते, तुम इधर आओ। हाँ जी सुनो जी, भैंसिया फ्रूट कैसे देती है? अच्छा पेड़ पर चढ़ के तोड़ के देती है, बंदर की प्रजाति की है ना? भैंसिया बंदर की प्रजाति की कब से होने लग गई? अरे तो बंदर की पूछ होती है, भैंस की पूछ होती है, तो पूछ में हो गया, पूछ लो। अरे तो वैसे तो शेर की भी पूछ होती है। अरे तो शेर तो सिद्धू जी के पास होते हैं। आई जे लेकिन जे तुम्हारी भैंस की जर्सी गाय पहनी है? ये जर्सी गाय है, हाँ बहुत पढ़ी लिखी है, गुड मॉर्निंग बोलती है ये। गुड मॉर्निंग? हाँ ये गुड मॉर्निंग बुलवा के दिखाओ। अभी नहीं बोलेगी, अभी इवनिंग है तो मॉर्निंग में बोलेगी। हाँ जो थे गुड इवनिंग बोल के दिखाओ। का है इवनिंग में काम नहीं करती है, कहती हम इंसानों की तरह नहीं है जो जानवरों की तरह काम करें, वी हैव लाइफ डूड, ऐसा बोलती है। बस अब बहुत हो गया कि हम तुम्हें बता रहे हैं, तुम अपना दूध टेस्ट करवा लो। करवाओ। अरे दूध टेस्ट करवा दो, ये देखिए दूध। ये नहीं, ये देखिए। ये दूध में स्टिकर? अच्छा स्टिकर तो सेब पे लगा होता है ना? कभी कभी सेब खा लेती है तो स्टिकर आ जाता है। झूठ पे झूठ बोले जा रहा है आदमी लगातार। असली बच्चा यादव हम हैं, हम प्रूफ करते हैं। ये लीजिए बच्चा इस्माइल। तो इसमें कहा है ये स्माइल, तो हम भी कर लेते हैं, ये लीजिए। इसमें कहा है? एक मिनट, ये स्माइल तो हम भी कर सकते हैं। अच्छा भले ही आप बुरा माने, लेकिन आप लेडीज कटप्पा लग रही थी, बता रहे हैं। आपको तो इस्तीफा दे देना चाहिए, ऐसा गंदा स्माइल हमने देखा नहीं। क्यों दे हम इस्तीफा? क्यों क्यों काहे दे रही है आपको, ग्रांट काहे नहीं दे रही है? अच्छा कैसे दे ग्रांट? एक काम करो, जी अपनी बीवियों को बुलाओ। बीवियों को काहे बुलाए? जो पेपर ना पढ़ा था उसमें लिखा था ना जो कौन सी बीवियां जो है पतियों के साथ काम कर रही है, जो उनको जो गवर्नमेंट है ना वो ग्रांट भी देगी और साथ में पुरस्कार भी। हाँ ये
है तो हम भूल ही गए। हाँ भूल गया, सांस लेना नहीं भूलता, तो खाना खाना नहीं भूलता, सबसे जरूरी काम भूल गया। एक मिनट, जो तुमको क्यों गुस्सा आ रहा है? गुस्सा आएगा, बीवी कहाँ से लाए? बीवी कहाँ से लाए मतलब? वो बाजार गई है बीवी। हाँ लेकिन हमारी यहीं पर है, हम बुलाते ना। अजी सुनती हो? वैसे तो हम इसकी बात की भी ना सुनते, लेकिन जब से आप जिंदगी में आए हैं आपकी सुन लेते, कहिए ना। लीजिए हमारी अगला धोखेबाज, पार्टी बदल लिया। क्यों ना बदले, हम जितनी बार आपकी चौखट पर आए आपने दरवाजा बंद कर दिया। हाँ, जब ही हम कहे जो तुम्हारी जो होठ है ना दरवाजे के बीच में आकर ऐसे हो गए। एक मिनट, अगर हम गलत ना है तो जे सेक्रेटरी है ना आपकी? लेकिन शादी तो हमने की ना। क्यों, तो आपने तबेले पे क्यों ना काम पे रख लिया? वो थोड़े कामचोर टाइप के है। अरे भगवान, वो तो हमारा लल्ला अगर लीक ना कर रहा होता ना तो हम इतनी जल्दी ना करते। चलो हम तुम्हें ग्रांट दे देते। अरे ऐसे कैसे ग्रांट दे सकते, पहले हमारी पत्नी से तो मिलिए। धोती नहीं, क्या रही हमारी पत्नी? क्या कर रही है? आप तो हमारे साथ थी। मैं सच्चाई की साथ थी, क्योंकि जमीन नाम की कोई चीज होते है, पूरे 1000 में बेच दिया। हाय राम, ये जमीन बेच दिया? किसको बेचा? अब जब बेचने वाले को प्रॉब्लम नहीं है, खरीदने वाले को दिक्कत नहीं है, तो आपको क्या दिक्कत हो रही है? देखिए मैं इस तबेले के लिए क्या क्या नहीं किया, जिन हाथों में मेहंदी लगनी चाहिए गोबर लगी हुई है। प्लीज प्लीज ये ग्रांट दे दीजिए ना। जे बिटिया हम समझ गए, जे पकड़ो, तुम बहुत ही सुशील हो, जे ग्रांट हम तुम्ही को देंगे। अरे अरे कैसे ऐसे? अरे ओ दूध वाले भैया, ओ दूध वाले भैया, कैसे दूध बेचा है? हाँ पूरा का पूरा फट गया। तो का अभी फटी फटी जींस आ रही, तब तो कुछ बोलती नहीं, दूध फट गया तो दूध फट गया। ऐसे अभी पिछले दिनों बाहुबली आई, ऐसी पिक्चर थी, सबको देख के आगे फटी की फटी रह गई, कोई नहीं बोला अब दूध फट गया, दूध फट गया, कहाँ है दूध फट गया? देखिए ये सब छोड़िए, अब ग्रांट हमको दीजिए, देखिए इनका तो दूध भी फट गया। जी हमारे को तो कुछ समझ में ही ना आ रहा है, दूध फट गया, कपड़ा फट गया, जहाँ पर कनेक्शन कहाँ है? देखिए बम भी तो फटता है कि नहीं? हाँ। आवाज भी करता है। हाँ। और दूध बेचारा फटता है, आवाज भी नहीं करता है, और इससे आगे हमसे नहीं बन रहा है। आप कहे तो हम सिल देती हूँ। सिलना है तो अपने होठ सिलो, बेवजह चलते रहते हैं। सबको पता है यहाँ होठ किसका सिलना है। ए चुप रे आ। ए चुप करो वरना मैं बता दूंगी कि तुम इसकी नकली बीवी हो। हाँ तो तुम कौन सी असली बीवी हो, तुम भी तो नकली बीवी हो। ए चुप रे चुप रे ए तो ए मैडम टेक ऑफ करेंगी। बकलौली कर रहे थे ना हमारे साथ, हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हो, जो लल्ला लीक कर रहा हो तुम, यहाँ हमें वीक कर रहे हो, एक, हम बता एक, रहे एक, नहीं, 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 अरे, नहीं, तुम रुक जाओ, हम बता अरे, 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 हमको धोती उठाना थी, ये ऐसे अधिकारी को उठाने के लिए आता है। आज जो एंटरटेनमेंट की हवा है वो पंजाब से आने वाली है, और जो मेहमान यहाँ पे आने वाले हैं वो सिर्फ अच्छे सिंगर ही नहीं, अच्छे एक्टर ही नहीं, ये थोड़ा सा दिल भी चुरा लेते हैं। सो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम पंजाब की शान सुपरस्टार दिलजीत दोसांझ। एक बार जोरदार तालियां हो जाए दिलजीत पाजी के लिए। पाजी वेलकम, वेलकम। कमाल है पाजी, पता नहीं क्या चाम है आपका, मतलब ये लड़कियां इतनी एनर्जी कहां से आ गई थी दीदी आप में? गीत तो देखते ही, ये देखो अभी तक इनका इनका आपका गाना खत्म हो गया, इनकी एनर्जी खत्म नहीं हो रही, जोरदार तालियां हो रही। अच्छा हमारी इंडस्ट्री में ऐसे बहुत से कलाकार हैं जो पंजाब से हैं, जिन्होंने एक सरदार का किरदार निभा के वाह वाही बटोरी है, लेकिन दिलजीत पाजी पहले हैंडसम खालिद सरदार हैं जिन्होंने बॉलीवुड में एंट्री मारी, और एंट्री मारते ही कमाल कर दिया, और आते ही पहला फिल्म फेयर, क्या बात है भाजी, वी आर सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सो मच भाजी।
और मुझे बहुत खुशी है कि जब फिल्म फेयर मिल रहा था तो पाजी पीछे थे स्टेज के, और लेकिन स्पेशली मेरे लिए आए, और मुझे इतनी खुशी हुई कि एक पंजाबी जब पीछे से मेरे लिए सपोर्ट करने के लिए आया. वेरी 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 सर प्राउड पाजी. एक्चुअली ना यहाँ से बहुत सारे लोग बोलते हैं ऐसे कि मेरी इंग्लिश ठीक नहीं है. आई वांट टू प्रूव देम रॉन्ग. ओके, लेट्स हैव अ चैट इन इंग्लिश. टेल मी समथिंग अबाउट योर फिल्म. इज इट कॉमेडी, रोम कॉमेडी, ड्रामेडी, व्हाट काइंड ऑफ? इट्स आई एम फ्रॉम पंजाब एंड कॉमेडी, एक्शन, ड्रामा. In between? In between, interval. Oh. Actually, it's a Hindi channel, so yes. We have to stop it here. नहीं तो हम लोग चाहें तो एक महीना बात कर सकते हैं इंग्लिश में. वो आपके ऊपर, आपको चाहे दो महीने लग जाएं समझने में कि हम लोग क्या बात कर रहे थे. पाजी आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है. Thank you, thanks. सुपर सिंह में दिलजीत के पास एक पावर है, ये एक जगह से उड़ के दूसरी जगह पे जाते हैं. हाँ जी, हाँ जी. पाजी ये तो हमने ट्रेलर में देखा. हाँ जी, हाँ जी. और क्या क्या देखने को मिलेगा हमारे दर्शकों को? मैं लड़ाई भी, फाइट भी होती है. अच्छा जी. ते और कॉमेडी. अच्छा जी. रोम कॉम जो हम पहले इंग्लिश में बात कर रहे थे जी, तो वो सब भी मिलेगा. और एक ऐसी सुपर पावर जो हॉलीवुड बॉलीवुड किसी सुपर हीरो में नहीं है. अच्छा, वो क्या है? रोटियां बना लेते हैं पाजी. मल्टीपल कर देता है. अगर घर वाली खाना बनाएगी, दो बनाएगी तो चार कर देगा वो. क्या बात, तो मल्टीपल कर सकता है. तो इस घरेलू सुपर हीरो बेसिकली, तो मुझे लगता है कि जो फैमिलीज हैं और लेडीज हैं उनको बहुत पसंद आएगा. अच्छा, दिलजीत पाजी की पहली फिल्म आई उड़ता पंजाब, फिर आई फिलौरी जिसमें इनकी हीरोइन हवा में उड़ रही है, अब इनकी आ रही सुपर सिंह जिसमें ये खुद उड़ रहे हैं. अभी पाजी एक और अफवाह भी उड़ती उड़ती आई है कि आपको उड़ने में इतना मजा आता है कि आपने अपना जहाज खरीद लिया. भाई मुझे लगता है देख के मैं जहाज खरीद. मेरी एक नई पिक्चर स्टार्ट हो रही थी. अच्छा. तो जहाँ शूट हो रहा था वहाँ फ्लाइट नहीं जाती थी. अच्छा, तो मेरे प्रोड्यूसर ने मुझे प्राइवेट जेट बुक करके दिया, और मैं अच्छा, जैसे ही मैंने फ्लाइट लेनी थी तो मैंने लिखा न्यू बिगनिंग स्टार्ट विद प्राइवेट जेट. इंग्लिश मतलब अपने हिसाब से मैंने पूछ पाछ के गूगल से देख दा के सब एंड सेट करके. हाँ. तो मैं बस फ्लाई किया, और जब उतरा तो न्यूज आ गई कि दिलजीत ने जहाज ले लिया. चल तो मेरा सीएम मुझसे पूछ रहा है सर वो फिर कितनी पायलट की कितनी तनख्वाह है, हम कहाँ रखेंगे उसको. मैं टीडीएस तो मैं पूछ के काटता हूँ, जहाज कैसे ले लिया यार. फेक न्यूज. हमारे सिद्धू साहब भी बड़ा उड़ते हैं. कभी दिल्ली, कभी चंडीगढ़, कभी मुंबई, कभी कभी तो ऐसी जगह पहुंच जाते जहां नहीं भी जाना होता. आपको पता आम आदमी जहाज में जाता है ना तो एयर होस्टेस बोलती है आपका बहुत बहुत स्वागत है. सिद्धू पाजी जहाज में जाते हैं, इनको पूछती है अरे आप फिर आ गए. अब वक्त है फिल्म सुपर सिंह की सुपर ब्यूटीफुल गर्ल को स्टेज पे बुलाने का, तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच इनवाइट करना चाहूंगा द वेरी ब्यूटीफुल, वेरी टैलेंटेड सोनम बाजवा. जोड़ी के लिए विराजमान हो जाइए. सोनम कैसी हैं आप? बहुत अच्छी, आप कैसे हैं? आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं. थैंक यू सो मच. आपकी दिलजीत के साथ तीसरी फिल्म है ना सोनम? हाँ जी. तो जब आप फिल्म साइन करती हैं तो फिल्म जो है वो स्क्रिप्ट देख के पसंद करती हैं कि दिलजीत को देख के पसंद कर लेती हैं? पता है कि दिलजीत है तो फिल्म सुपर डुपर हिट है. स्क्रिप्ट देख के करती हूँ, बट पता होता है दिलजीत है तो फिर ऑटोमेटिकली पसंद आ जाती है. ये तो है. और कुछ चाय वगैरह आप लेंगी? नहीं थैंक यू. कोई ग्रीन टी वगैरह? नहीं थैंक यू. मैंने सुना आप पूरा जग भर के पीती हैं ग्रीन टी. किसी ने बोला है कि ऐसे जग भर के, मुझे पता नहीं है कि पूरा जग एक साथ पीती हैं या थोड़ा थोड़ा निकाल के पीती रहती हैं. नहीं मैं एक ही बार जग बनवा लेती हूँ और फिर बारी 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 पी लेती हूँ. जग सामने होता तो मुझे याद रहता है हाँ पीना है. तो मतलब ग्रीन टी को बढ़ावा दे रही हैं आप. पाजी एक बात आपके बारे में सुनी, कहते हैं आप बचपन में बाल्टी भर के शरबत पीते थे. पता नहीं इसमें कितना सच्चा है कितना झूठ है. नहीं पाजी बाल्टी भर के नहीं पीता था. अच्छा जी. एक्चुअली जब मेहमान आते थे घर पे तो बाल्टी में रूह अफजा बनता था. अच्छा. हाँ तो तब टेंशन रहती थी कि अगर सारा खत्म हो गया तो मतलब वही तो
कितनी देर बाद बनता था रूह अफजा, कौन सा रोज बनता था ना? जी. तो बड़ी टेंशन होती थी कि यार ये सारा ना पी जाए, आज छोड़ दें, बर्फ रह जाए, ठंड गर्म ना हो जाए, इसकी भी बहुत टेंशन होती थी. और फिर जब वो जाते थे तो 5-10 रुपए देते थे ना, तो मम्मी इज लाइक नहीं 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 मुंडे नहीं चाहिए, नहीं तू नहीं लेना, तू नहीं लेना ना. इज लाइक मैं चलो कोई नहीं, दे दो देना. अरे दिलजीत ने इस फिल्म में जो ड्रेस पहनी है, ओए होए होए, हाँ जी पाजी, 11 किलो की ड्रेस है वो? हाँ 11-12 किलो की. मैंने देखा काफी टाइट ड्रेस है. बहुत टाइट है भाई. ऊपर से जिप वगैरह भी उसमें कोई नहीं लगी. नहीं, 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 भाई. तो सुपर हीरो को नेचर कॉल आ जाए तो फिर कैसे करते थे? मैंने दो बंदे साथ में मिले ड्रेस के, वो पैंट पहनाते थे. अच्छा. तो पैंट के हाथ यहाँ तक तो जाता नहीं था ना, तो दो बंदे हर, और मैंने इनको बोला था भाई 1.5 घंटे बाद मैं सूट उतार दूंगा क्योंकि सांस नहीं आती थी उसमें. और एक ऊपर से पंजाबी फिल्में हैं तो बजट कम है, तो पता नहीं मुझे लगता वो टायर वायर काट के ट्रक के उनको उसका सूट बना दिया मेरा इन्होंने. इतना हैवी था, सांस नहीं आती थी, लेकिन फिर भी चलो काम है और पंजाब का सुपर हीरो बनना है, तो मैं कहा चलो ये तो करना पड़ेगा. तो पहला पंजाबी सुपर हीरो दिलजीत. पाजी जैसे हमारे बचपन में सबका कोई ना कोई फेवरेट सुपर हीरो होता है. हाँ जी भाई. जैसे हमारा तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था, तो गरीबी के हिसाब से मोगली था मेरा. फिर शक्तिमान. आपका कोई शक्तिमान? शक्तिमान. शक्तिमान आप भी पसंद करते थे? और आप इतने अच्छे सिंगर हैं, तो बॉलीवुड में आपका कोई फेवरेट सिंगर था पहले? एक ही सिंगर हमेशा फेवरेट रहे, गुरदास मान साहब. क्या बात है. मान साहब के साथ आपका कोलैबोरेशन भी देखा पाजी हमने. चला. इस फिल्म में सुपर सिंह में दिलजीत के पास सुपर पावर्स हैं, और सुपर पावर्स के चलते ये जनहित के लिए काम करते हैं, जो कि अच्छी बात भी है, सुपर हीरो करना चाहिए. पाजी अगर रियल लाइफ में आप में कोई सुपर पावर्स आ जाएं तो आप क्या क्या करना चाहेंगे? मैं चाहूंगा मैं बहुत सारा मैं खाऊं, खाता जाऊं, और उसके बाद फिर ऐसे एब्स. तो स्वीट पंजाबी भोले आदमी, छोटी सी ख्वाहिश है कि मैं खाता जाऊं और ये ना करना पड़े. सोनम आपको सुपर पावर्स दे दी जाए तो आप क्या करना चाहेंगी? एक तो मैं यही करूंगी. अच्छा. जितना मर्जी खाऊंगी. बटर नहीं खाती है ये, जो खाने के साथ खाते हैं ना वो खाती है, सलाद खाती है. क्या? अब नहीं खा सकती. सलाद ही खाती है. हाँ तकरीबन वही होता है कि हीरो हीरोइन को यही होता है कि हमारा वजन भी ना बढ़े, हम खा भी लें. कि छोटी सी विषय हमारे दर्शकों से जितने भी हैं, मैं जानना चाहूंगा आपको अगर सुपर पावर्स मिले तो आप उनका इस्तेमाल किस तरह से करना चाहेंगे, आप क्या क्या बदलाव करना चाहेंगे, जो भी आपके दिल में आए. जी मैम. सर मेरा नाम रजनी है, मैं फरीदाबाद से आई हूँ. सर मैं चाहती हूँ कि मेरे में ऐसी सुपर पावर आ जाए कि मैं कुछ, मुझे घर का काम ना करना पड़े. तकरीबन सब आलस वाले ही मिल रहे हैं करेक्टर, कुछ ना करना पड़े. सर आलस नहीं है. जब मेरे बच्चे घर में आए, जैसे मेरे पति घर में आते, तो सारा खाना अपने आप, सारा खाना तैयार हो जाए, अपने बन जाए, आराम से बैठ के सिर्फ आपका शो देखती रहूं और आपकी पिक्चर देखती रहूं, बस. तो आप ये भी तो कर सकती हैं कि सुपर पावर आ जाए, अपने पति को ही पत्नी बना दें. सर नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकती. सर नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती. तो आप हाउस वाइफ हैं सर? अच्छा. तो भाई साहब भी आए साथ में? जी सर. कैसे भाई साहब? भाई साहब क्यों इतना काम करवाते हैं, जो मन में देखिए उनके उनके क्या क्या साजिशें चल रही हैं, उनको इतना काम करवाते हैं आप? बिल्कुल कुछ नहीं करवाते हैं, पहले ही उनके पास सुपर पावर्स हैं, आप देख सकते हैं. वो तो है, बीवी तो होती सुपर पावर ही है. जी जी. आपको अगर सुपर पावर आ जाए आप में कोई, आप क्या करना चाहेंगे? सुपर पावर आ जाए तो डेफिनेटली जैसे आपने कहा कि पत्नी एक ऊपर वाले का यानी जो जीवन साथी है, एक गिफ्ट है जी, जो आप सब कुछ छोड़ छाड़ के आके आपका परिवार संभालती है, आपका परिवार बनाती है, तो उसी को रीपे करना चाहूंगा इन वट एवर वे आई कैन डू इट. सो स्वीट. ये आपका प्यार है कि डर के मारे कह रहे हैं आप? दोनों है जी. क्या करते हैं सर आप फरीदाबाद में? जी मेरा बिजनेस है छोटा सा. अच्छा जी जी. चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, बहुत बहुत शुक्रिया शो में आने के लिए, धन्यवाद जी. यस यस ब्रदर. हेलो कपिल सर. हेलो. हेलो दिलजीत सर. हेलो ब्रदर. अगर मुझे सुपर पावर मिले तो मैं जब मेरा दिल चाहे तब मैं किसी का भी रूप धारण करना चाहता हूँ. किसका? जब जैसे कि अभी कोई दुकान में गया तो जो दुकान मालिक है उसका रूप धारण कर लिया और उसके पास से सब सामान मुफ्त में लेके चला गया. ये तो चोरी होगी ना बेटा फिर. वो ये अपने हिसाब से डिफाइन किया उन्होंने. सुपर पावर आपको दी जा रही है, मतलब ऐसा ख्याल हम सोच रहे हैं, बड़ा सोचो कुछ और, इससे बड़ा कुछ करना हो तो क्या करोगे? सर एक तो आप खुद सुपर हीरो हो, आप सबको अच्छे अच्छी तरह से हंसाते हो, सबको डिजीज और सबसे प्योर करते हो, सबसे बड़े सुपरस्टार तो सर आप ही हो. अच्छा आदमी सामने से तारीफ कर दे ना उसको, आप ज्यादा बोल भी नहीं पाते कि अच्छा ठीक है. लव यू ब्रदर. क्या करते हैं आप, पढ़ाई करते हैं अभी? हाँ सर पढ़ाई. क्लास में 13 है? 13th कौन से होती है?
12th पास कर लिया तो ग्रेजुएशन कर रहे हो आप थैंक यू सर थैंक यू सो मच नहीं पर हम आपको बहुत प्यार करते हैं भाई पूरा पंजाब आप पर गर्व है हमें और क्योंकि पाजी की बैकग्राउंड में पहले बात कर रहा था कि अमृतसर से है इसीलिए इतने मारे ने नेपाल लाए प्यार है पाजी आप भाइयों की दुआएं दिलजीत जी नमस्ते नमस्ते अरे वाह यार देख के मजा आ गया यार दिलजीत जी क्या बात है अरे आपको उड़ता पंजाब में देखा यार ओहो दिल जीत लिया आपने अभी तो लगता है कि इनके मम्मी पापा को पहले से पता होगा कि लड़का बड़ा होकर लोगों का दिल जीतने वाला इसका नाम रखा दिलजीत और सोनम जी वाह वाह बाजवा ऐसा गुड वर्क लीजिए इनके तो नाम में ही वाह है लेकिन कपूर शर्मा रियली सॉरी टू टेल यू आपके नाम में कोई बात नहीं है माय लो पॉजी व्हाट टू डू यार वैसे सोनम जी आपको पानी पसंद है जी तो लीजिए 70% तो आप हमको पसंद करती हैं बाकी 30% अपनी बातों से आपका दिल हम जीत ही लेंगे बच्चा तू यहाँ क्यों आया ये लीजिए ये आदमी हमसे पूछ रहा है कि हम यहाँ क्यों आए हैं देखिए दिलजीत जी पंजाब से आए हैं सोनम जी पंजाब से आई हैं सिद्धू जी पंजाब से आए हैं इत्तफाक का बात देखिए आप भी पंजाब से आए हैं आप लोग चाहते तो ये शूटिंग पंजाब में कर सकते थे लेकिन आप लोग यहाँ क्यों आए हैं क्यों आए Because of the popularity of Bajwa Yadav. क्या बन के घूम रहा है ये तू कटप्पा बन के घूम रहे हैं यार अजीब आदमी है यार आंखें फाड़ फाड़ के थोड़ा सा देखिए यार कभी सुपर हीरो का कॉस्ट्यूम नहीं देखे क्या इनका फिल्म का पोस्टर देख लीजिए आई एम सुपर हीरो नहीं ऊपर से सुपर हीरो नीचे से धोती है क्या चक्कर अरे वो तो यार हमारा स्पॉन्सरशिप का प्रॉब्लम हो गया यह है ना अपना ये चौरसिया पान भंडार बोलता कि सिर्फ ऊपर का कपड़ा स्पॉन्सर करेंगे कहता है बिलो द बेल्ट हम लोग स्पॉन्सरशिप नहीं देते तो दैट्स व्हाई धोती पर तुझे सुपर हीरो क्यों बनना है हमको क्या उड़ के एक जगह से दूसरा जगह पे पहुंचना है क्या ये एयरलाइन वेयरलाइन फ्लाई व्लाई करने में मजा नहीं आता एक बार हम एक प्लेन में गए थे यार हमें तो लगता है ना प्लेन के अंदर ना गलत काम होता है अरे सर वो हमको कॉकपिट में जाने नहीं देते हैं कहते हैं कि वहां पे जाने के लिए पायलट बनना पड़ेगा हमने कहा वाह वाह हमको वहां जाना है तो पायलट बनना पड़ेगा लेकिन पायलट को यहाँ आना है तो उसको सवारी नहीं बनना पड़ेगा नॉट डन मैन अच्छा तेरी बात ना कभी कभी समझ नहीं आती यार आ तो एक काम करो ना यार आप अपना वो बोल दो ना कि सवाई रखिए और हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए खत्म करो ना बात को फिर इधर ही खत्म करो लेकिन सर आपको सच बताएं सुपर हीरो हम ऐसे नहीं बन रहे हैं हम लोगों का भला करेंगे यार हमने डिसाइड किया है कि हमारा भतीजा है श्रवण उसको हम लेके हवा में उड़ेंगे तो इसमें क्या लोगों का भला हुआ नहीं नहीं वो जेब कतरा है यार वो हवा में बिजी रहेगा तो यहाँ पे लोगों का भला ही होगा ना यार देयर इज अ कनेक्शन इन एवरीथिंग बच्चा सुपर हीरो दूसरों की मदद करता है देश की मदद करता है अपने भतीजों की नहीं तो चलो यार इसमें क्या है देश का मदद कर देंगे देखो यार यहाँ पे जितना भी लोग है ना जिनको जॉब नहीं मिल रहा है काम नहीं मिल रहा है उनको यहाँ से उठाएंगे उठा के सीधा अमेरिका में रख देंगे और वहां से अपना एंजेलिना जोली जेनिफर लोपेज और सिद्धू जी आपको क्या पसंद है औ सकीरा और सर आपका भी एक फेवरेट है ना क्या अपना ये काइली जेनर उनको भी उठा के इंडिया लेकर आ जाएंगे और आपको चाहिए सीधा ओहो ये डायरेक्ट भटिंडा लैंडिंग भी करवा सकते हैं यार आई हैव द पावर नहीं तो अमेरिका से लड़कियां उठा के यहाँ पे लाओगे तो उसमें देश का क्या भला हुआ नहीं हुआ नहीं तो यार मजा तो आ जाएगा यार थोड़ा सा यार आपको उस बात से भी तकलीफ हो रहा है तो कोई नो प्रॉब्लम यार
हम एक काम करेंगे सर, अमेरिका को उठा के यहाँ पे ले आएंगे, अपना पड़ोसी देश बना लेंगे उसको। उनको क्यों पड़ोसी बनाना भी? नहीं यार देख क्या होता है ना, बहुत टाइम तक अगर सेम पड़ोसी होता है ना तो ऐसा लड़ाई झगड़ा थोड़ा होने लगता है। अभी हमारे पड़ोसी को ले लीजिए, अरे जरा सा उसके वाइफ के फोरहेड पे हमने किस कर दिया तो लड़ने लगा यार हमसे। अरे फोरहेड ये थोड़ी होता है। नहीं नहीं अब हमको पता है, हमको पता है अब। अब मालूम चल गया, जब बड़ा सा डंडा लेके उसने हमारे लिप्स पे मारा ना, हम समझ गए कि लिप्स किधर है फोरहेड किधर है, समझ में आ गया। बच्चा एक बात तो तू गांड बांध ले, तेरे में सुपर हीरो बनने वाली कोई बात नहीं है भाई। बात होती नहीं है, जज्बा होता है। और हमारे अंदर वो जज्बा है, अरे सुपर हीरो हर इंसान के अंदर होता है यार। अरे परसों ही हमारा दोस्त हमसे कह रहा था कि तुम भी यार कैसे सुपर हीरो बन गए। हमने कहा दोस्त तेरे अंदर भी एक सुपर हीरो है, उसे ढूंढ पहचान, जा बिल्डिंग के 20 माले से कूद जा और सोच के तू उड़ रहा है। और वो कूदा, फिर उसका बहुत याद आता है यार। चलो लेकिन कोई बात नहीं यार, अगर आप हमको नहीं बनाना चाहते सुपर हीरो तो हमारी भैंसिया को सुपर भैंसिया बना दीजिए, ऐसा उड़ के जाएगी घर घर में जाके ऐसा दूध देगी वो भी एकदम फ्रेश। और ऊपर से गोबर कर दिया तो वो आपके लिए कॉम्प्लीमेंट्री यार। बच्चा जो तूने बातें की ना तू सुपर हीरो बनेगा ना तेरी भैंसिया है। कोई नहीं बनेगा ना। चलो कोई बात नहीं, ये सब कैंसल, हम अपने कच्चे का धंधा आगे बढ़ाएंगे। सुपर हीरो से सीधा कच्चा। हाँ तो कच्चा सीधा ही होता है, टेढ़ा कच्चा किसको देखा है पहने हुए। देखिए आज के समाज को अच्छे कच्चे की बहुत ज्यादा जरूरत है सर, कच्चा और विचार दोनों खुले होने चाहिए। सर हम हमारी तरफ से अपना ब्रांड लेकर भी आए हैं, दिस इज माई ब्रांड, इट्स कॉल्ड बच्चा का कच्चा। ये हम बना रहे हैं। और सर आपको जानकर खुशी होगी कि इसके अंदर एयर प्योरीफायर भी है। okay. आप कुछ भी खाइए बात कच्चे तक ही रहेगी। आप सर अगर थोड़ा सा, आपका इतना कमाल का आवाज है, आप ऐसा गाना वाना गाते हैं मजा आ जाता है, दिल खुश होता है, तो थोड़ा सा एक कुछ एडवर्टाइजिंग हमारे कच्चे के लिए, कुछ एक ऐसा जिंगल विंगल कुछ ऐसा बन सकता है फॉर माय कच्चा सर, इट इज वेरी नाइस। नहीं ठीक है ना, ना हाँ तो हाँ आप, 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 आप गा दीजिए, प्रेजेंट हम कर देते हैं। ओके ये प्रॉपर कच्चा धोती नाल स्वाय, प्रॉपर कच्चा धोती नाल स्वाय, क्या बात है सर, हिट कच्चा, माहौल बना दिए आप। अब ये कच्चा देख के कैसे बिकता है पागलों की तरह। कच्चा अभी अपना कच्चा ले और फिर जा तू अभी। सर चले जाएंगे लेकिन एक बात भूल रहे हैं आप। क्या? जॉक्स। ओ जॉक्स। देखिए सर क्या है कि हमारे पास एक जॉक्स का पिटारा है, भर भर के जॉक्स लेके आते हैं, इतना कॉमेडी हो जाता है ना, माहौल बन जाता है पूरा। सुना है आपको? सुना है। एक जॉक्स, जॉक्स ठीक है। हमको बताइए कि लड़की जो है वो सबसे ज्यादा हॉट कब होती है? कब होती है? जब उसको बुखार होता है। बुखार होगा तो हॉट होगी। बिल्कुल मजा आ गया यार, मजा आ गया, फ्रेश क्या माहौल बनाया है। देखिए एक और जॉक्स पेश करें तो ये बताइए, दुनिया का सबसे पहला आलू कहां पाया गया था? कहां? जमीन के नीचे। ये आदमी देखिए आलू के पेड़ पे उगाओगे। जमीन के नीचे ही रहेगा ना। पाजी का मैं बहुत फैन हूँ, मैंने नहीं देखी किसी आर्टिस्ट में इतनी एनर्जी यार, जोरदार ताड़ियां। अरे बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा एक बात बता, जैसे तू यहाँ पे दूध बेचता है, अगर अरब देश में कोई अरबी दूध बेचे तो उसको क्या कहेंगे? मिल्क शेक। वो शेक है, शेक है मिल्क शेक। चलिए सर चलते हैं, सी या, ऑल राइट, एंजॉय।
पारी छोटे छोटे बच्चों का एक सवाल था, कहते थे कि दिलजीत ने फिल्म में ट्रेलर में देखा है उन्होंने कि एक आदमी आपको गोली मारता है और गोली नाक में फंस जाती है। हाँ जी। तो कहते नॉर्मली बहुत बार ऐसा होता है जब हम लोग ऐसे चने छाल के खाते हैं, हालांकि हमने लड़कियों का भी ऐसे करते देखा, तो कहते आप उनसे ऐसे करवा के देखना तो ज्यादा मुंह से कौन लपकता है, उन्होंने भेजे भी हैं और इनमें से कितने कैच करते हैं। चने बोल के उन्होंने मूंगफली भेज दी एक्चुअली। हाँ ये अच्छी। ओके हमारी ऑडियंस गिनती करेगी ऐसे उछाल के ऐसे। तू ना। ऐसे हो सकता है भाई। हैं? ऐसे हो सकता है। ऐसे भी हो सकता है। तो मैं कहूँ उछाल के चेक करते हैं। एक भी नहीं होगा, आप कर लोगे? मैं भी करता हूँ साथ में, नो प्रॉब्लम। डन हो गया। ओके। ओके। 1, 2, 3 स्टार्ट। वेल ट्राई। वेरी क्लोज। ओए क्या बात है। ओके सेकंड ट्राई। ओके वो ना मुझे लगता डाइट कॉन्शियस है, जान के ही नहीं खा रही ना। बहुत बहुत मुबारक, हमारे देश की बेटियां किसी से पीछे नहीं रही। ओके बाजी। मालो बाजी। This is cheating. This was cheating. चलो बात ही खत्म। बैठो बाजी। बाजी सोनम के बारे में हमें किसी ने बताया कि सोनम जो है पढ़ाई में बहुत ही अच्छी थी, तो वंस अगेन कुछ बच्चों के सवाल है। बच्चे बड़े सवाल भेजते बाजी, तो उन्होंने ऐसे बोला है कि सोनम से पूछने हैं कि अगर एक दीवार को बनाने में 10 आदमियों को 5 घंटे लगते हैं, एक दीवार बनाने में 10 आदमियों को 5 घंटे लगते हैं, हाँ, तो 5 आदमियों को वो दीवार बनाने में कितना टाइम लगेगा? एक आदमी को एक दीवार बनाने में, एक दीवार बनाने में हाँ, 10 आदमियों को 5 घंटे लगते हैं, 10 आदमियों को 5 घंटे लगते हैं, तो 5 आदमियों को कितने घंटे लगेंगे? उसका इनटू 5। उन्होंने ये लिखा है कि कोई टाइम नहीं लगेगा क्योंकि 10 लोग ऑलरेडी बना चुके हैं। और ये बच्चों का सवाल था, मैंने पहले कहा तो आप एयरलाइंस इंडस्ट्री से भी जुड़ी रही हैं कि एक लड़के को एक बार इमरजेंसी में प्लेन से नीचे फेंक दिया गया, उसको फिर भी कुछ नहीं हुआ, बताओ क्यों? फिर भी प्लेन से फेंक दिया, उसको कुछ नहीं हुआ, खड़ा होगा प्लेन, टेक ऑफ नहीं होगा। हाँ बच्चों ने भी कुछ ऐसा ही लिखा। अरे कोई इंसान 8 दिन बिना सोए कैसे रह सकता है? कोई इंसान 8 दिन बिना सोए कैसे रह सकता है? बच्चों ने क्या लिखा है? बच्चों ने लिखा कि रात को सो के। पाजी आपके फैंस कुछ अपने मन की बातें करना चाहते हैं, तो आप जो भी पूछना चाहते हैं आप लोग हाथ खड़ा कर सकते हैं। यस हाय, मेरा नाम योगिता है। दिलजीत मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, आप बहुत क्यूट और अडोरेबल लगते हो मुझे। बट मुझे पता है कि आप बहुत शाय हो, एज इन आपकी फीमेल जितनी भी फैंस हैं आप कभी उनकी आंखों में देखते ही नहीं हो। सो अब जब मैं यहाँ आई हूँ तो मैं चाहती हूँ कि हम एक डांस करें, पर आंखों में आंखें डाल के। अच्छा ठीक है जी, आइए आइए। लेकिन वो मुझे हिंदी डांस आता नहीं, भंगड़ा ही आता है बस। थोड़ा ये कर दो। आविष्कार पता नहीं किसने किया होगा ना ये वाला, एक ही जगह से इधर फिर इधर से इधर, अपना एंजॉय, अपने पंजाबी तो मजा ही आ जाता ना। थैंक यू योगिता।
थैंक यू जी. और कोई हमारे दोस्त? अरे आप कहाँ से आई मैम? काफी सजदज के. अरे वाह, कैसे हैं आप? अरे वाह वाह, का राजस्थान से आए आप? अच्छा, बड़ा बड़ा ट्रेडिशनल ड्रेस आपका, बहुत खूबसूरत है. राजस्थान में कहाँ से आई मैम आप? जोधपुर से. जोधपुर से? हाँ, अकेले आए आप? नहीं, बच्चे हैं ना साथ में. अच्छा, बच्चे भी आए साथ में. हाँ, ये लड़का ये लड़की. और आपके मियाँ जी नहीं आए? मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ तो बोले आप जाओ पहले. नहीं, सो स्वीट, थैंक यू सो मच. आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं, बहुत अच्छी ड्रेस पहनी है आपने. आपके लिए पहनी थी. तो भाई साहब ने आपको किसी साजिश के तहत तो नहीं इधर भेजा? जोधपुर फोन करके चेक कर लो, ठीक ठाक है ना सब माहौल? बच्चों को भी भेज दिया, वाइफ को भी, खुद क्यों नहीं आए वो? खुद को टाइम नहीं मिला जी. अच्छा, खुद को टाइम नहीं मिला? हाँ, वो आ रहे हैं, अब दो दिन बाद आएंगे. आपका नंबर आ गया ना यहाँ आने का, तो हम क्या करें? तो अभी कैसे करें? 15 दिन हो गए हमारे को यहाँ आए हुए. 15 दिन हो गए आपको? हाँ. स्टूडियो में? नहीं नहीं, जो बॉम्बे में. अच्छा जी, सो स्वीट, बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो में आए, शुक्रिया. आप ना आप एक काम कीजिए ना, आप ना ये रिचार्ज करके आइए, ढोल बोल ना, रिचार्ज करके आइए. आप लोग जाइए, क्या बात है, आए तो नगाड़े के साथ छोटी ढोलक और डफलियां भी आई. ओ स्वीट, आपने मुझे डफली कहा? अरे नहीं, तू तो ढोल हुई ना. हाँ, डफली तो ये हुई ना. तुझे बड़ा पता है बांसुरी कहीं की? ओके ओके, रिलैक्स रिलैक्स, डोंट फाइट यार, वी आर द गिद्दा गर्ल्स. गिद्दा 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 गर्ल्स. हेलो दिलजीत, हेलो सोनम, हेलो. ओ, मैं क्या बड़े सोने लग रहे हो. हाँ जी हाँ जी, एकदम फर्स्ट क्लास लग रहे हो. लस्सी द ग्लास लग रहे हो. वाह, बड़ी पंजाबी आए, दलेर मेहंदी की मेहंदी तुमने खाई थी. ये क्या बात हुई, इस तरह अगर मैं अंग्रेजी बोलूंगी तो क्या जस्टिन का बीबर खा के आई हूँ मैं? ये हाँ, आप लोग सोच रहे होंगे कि हम तीन है कौन? नहीं, वो नहीं सोच रहे, उनकी थिंकिंग बहुत पॉजिटिव है. क्या बात है, रियली, मतलब हमारी थिंकिंग बिल्कुल मिलती जुलती है. हाय, आई एम सरला और ये तो मेरी दोस्त है बम्पर और लॉटरी. और इत्तेफाक की बात देखिए, ये मेरी बहन है और मैं भी इसकी बहन हूँ. एक ही बात हुई ना, बहन की बहन तो बहन ही होती है. नहीं नहीं नहीं, जैसे मेरे पिताजी मेरे पिताजी हैं, लेकिन मैं मेरे पिताजी की पिताजी थोड़ी ना हूँ. एक शेर अर्ज किया है कि बारी बरसी खटन गया सी, खटक ले आंदा सन्नी. वाह 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 वाह, 2000 के नोट के साथ आगे कहाँ से चवन्नी. क्या कर रहे हो तुम लोग? ना, हम अपने पोरस के साथ कोरस गाने आए हैं. उफ, तेनू कुछ नहीं पता. Okay. हम इधर खिद्दा पाने आई हूँ. मैं 10 दिया. मैं 20 दिया. एक्चुअली आप दोनों को जानकर बहुत खुशी होगी कि हम तीनों ने मिलकर ना एक गिद्दा ग्रुप बनाया है, दिलजीत एंजल्स. अच्छा, वाह वाह वाह. एंजल्स कौन है मतलब? ये की गल कर दिया आपने, अब हम तीन लड़कियां हैं, हमने ग्रुप बनाया तो एंजल्स भी तो हम ही होंगी. का मैं बताऊं इनका कौन सा ग्रुप है? वो ऐड नहीं आती कि किसी भी उम्र के लड़के 3 मिनट तक बात करें नेहा से, 3 रुपए प्रति दर. ये वो ही ग्रुप बनाया था तुम लोगों ने? हाँ, बनाया तो है, लेकिन आपको जानकर खुशी होगी सबसे ज्यादा फोन कॉल उस पे कपिल शर्मा के ही आते हैं.
ये ना नाम बदल बदल के हमसे बातें करते रहते हैं। कल तो एक्चुअली एक लड़के का फोन आया था, वो बीच बीच में ठोको ताली भी कह रहा था, पता नहीं कौन। तुम लोग गिद्दे के कपड़े पहन आए हो, तुम लोगों को पंजाबी कल्चर आता है कुछ? पंजाबी आती है? ऑफ कोर्स आती है, चड्डा फट्टे। वैसे दिलजीत जी, जैसे अगर आप देख सकते हैं कि हमने अपना गिद्दा ग्रुप यहाँ पे बना लिया है, और आपको जानकर और भी ज्यादा खुशी होगी कि हमारे जो मम्मी पापा है ना, हमारी जो फैमिली है, उन्होंने भी आपके साथ कोलैबोरेशन करने के लिए हमें खुली छूट देती है। तो अब ये रिश्ता मैं पक्का समझूं? हाँ पक्का। ऐसे ऐसे कैसे पक्का? तुम लोगों को बोलने बोली आती कुछ? कोलैबोरेशन क्यों करेंगे आपके साथ? मारी बरसी खटन गया सी खटके ले आंदा पुल, बारी बरसी खटन गया सी खटके ले आंदा पुल, मैं लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल। दस साल पहले चित्रहार में आते थे बड़े गीत, दस साल पहले चित्रहार में आते थे बड़े गीत, दिल जी जी दिल जी दिल जी जी दिल जी, बारी बस ही खत्म गया थी खटके लेंदी सिस्टर, बारी बस ही खत्म गया थी झटके लेंदी सिस्टर, सिद्धू जी हो गए दो दो बार मिनिस्टर। बारी बरसी खटन गया सी खटके ले आंदा टांगा, बारी बरसी खटन गया सी खटके ले आंदा टांगा, खटके ले आंदा टांगा, आगे आगे घोड़ा, टांगे में आगे घोड़ा ही होगा। आगे क्या आगे? अब तो हम आपके यकीन हो गया हमारे टैलेंट पर? देखो दिलजीत को सिर्फ एक आध ऐसे कोलैबोरेशन के लिए सिंगर चाहिए, तुम लोग तीन तीन। ओह एक मिनट एक मिनट, आपको सिर्फ एक ही चाहिए? चलो ठीक है, तो मैं कुर्बानी लेने के लिए तैयार हूँ। तुम दोनों ऐसे 5 मिनट तक अपनी सांस रोक सकते हो, या तुम दोनों के ऊपर कूद के मुझे तुम्हें खत्म करना होगा। अरे मेरे होते हुए तुम ऐसे कुर्बानी ले सकते हो? ए, चल हाथ यहाँ से बट्टा। ए, 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 पागल हो गई क्या छोटी? हाँ हो गई हूँ मोटी। ए, पानी की टोटी, बुढ़ापे की सोटी, बची हुई रोटी, हबीस की बच्ची। ए, मामा की औलाद। तू हद से ज्यादा आगे बढ़ रही है। तो तू कद से आगे बढ़ जा थोड़ा। मेरी पंजाबी जो भी सीखा खत्म हो गया। तो मैं जा रही हूँ। जाने के पहले सिर्फ एक चीज बताना चाहिए तुम दोनों को, फिट्टे मुंह तेरे, हट दे नहीं तू। हम हमारे दर्शकों में से किसी ना किसी को एक गिफ्ट जरूर देते हैं, तो वैसे ही आप इतनी प्यारी लग रही हैं, इतनी दूर से आई हैं, तो आपके लिए ये खूबसूरत सा गिफ्ट है। सोनम, कब तो ये खूबसूरत सा गिफ्ट अपने खूबसूरत हाथों से मैडम को दे दीजिए। शुक्रिया शो में आने के लिए। एक सेल्फी हो जाए आप सबके साथ। हाँ जी। थैंक यू। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। पाजी थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बहुत मजा आया आपसे मिलके भाजी, हमेशा ही मिलके मजा आता है, और आप पहली बार आज हमारे शो पे आए। थैंक यू सो मच सोनम, थैंक्स अ लॉट, और आपकी सारी टीम को ढेर सारी मुबारकबाद। थैंक यू सो मच, और आप सब लोग भी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और देखते रहिए द कपिल शर्मा शो।
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.